हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ न्यूक्लिन जेल की। ये जेल के क्या यूजेस है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसको कब और कैसे यूज करना चाहिए, ये सब की जानकारी आज के वीडियो में होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास पहुँची रहे। फ्रेंड्स, न्यूक्लिन जेल 20 ग्राम में आती है, 147 रुपीज़ का प्राइस है। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगा। ये जेल का यूज स्पेशली एक्ने पिंपल के लिए यूज किया है। अगर आपकी स्किन पर एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो गया हो, या फिर ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम हो, या फिर स्किन पर एक्सेस ऑयल की प्रॉब्लम हो, ये सब के लिए ये जेल का यूज बेनिफिशियल है। ये जेल एक्ने पिंपल को तो ठीक करती है, साथ ही उसके स्कार को भी रिड्यूस करती है, स्किन को क्लियर एंड ग्लोइंग बनाती है। बात करिए इसके इंग्रेडिएंट की, तो इसमें यूज किया गया है क्लिनामाइसिन, निकोटिनामाइन। क्लिनामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को खत्म करता है, बैक्टीरिया को फैलने नहीं देता है, जिसके कारण पिंपल रिड्यूस होने लगते हैं, साथ ही नए पिंपल नहीं आ पाते हैं। निकोटिनामाइन विटामिन B3 का रूप है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। ये एक्ने पिंपल के स्वेलिंग रेडनेस को रिलीव करने में मदद करता है, साथ ही उसके मार्क्स को भी रिड्यूस करता है। बात करें इसको कब और कैसे यूज करें, तो इसे आप दिन में दो बार यूज कर सकते हैं, नाइट में तो आपको यूज करना ही है, डे टाइम अगर आप घर पर रहते हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। ये जेल का यूज फेस वॉश करने के बाद ही यूज करना है, और जेल फॉर्म में है तो जो स्किन पर इजीली ऑब्जर्व हो जाता है, किसी तरह का चिपचिपापन नहीं होता है। फ्रेंड, में भी आपको 2-3 दिन स्किन पर स्किन ड्राई लगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, उसके ऊपर आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक हो सके नाइट में ये जेल का यूज करने के बाद ऊपर से कुछ भी यूज ना करें, ताकि ये जेल अच्छे से अपना काम कर सके। एंड इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, डे वन से ही रिजल्ट दिखने लगेगा। किसी के ऊपर थोड़ा स्लो वर्क कर सकता है, डिपेंड करता है स्किन टू स्किन। साइड इफेक्ट बात करें तो ये स्किन को ड्राई कर सकता है, अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हो एज अ फेयरनेस क्रीम की तरह, तो स्किन पीलिंग हो सकती है, स्किन रेडेड हो सकती है, स्किन सेंसिटिव हो सकती है, इस टाइप के कुछ साइड इफेक्ट है। इसलिए पिंपल ठीक होने तक ये जेल का यूज करें। एंड अगर आप प्रेगनेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये जेल का यूज करें, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, सीवियर एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो, तब भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये जेल का यूज़ करें। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।